जय हिंद दोस्तों, अभी हूँ मैं बिहार में और आपने रात देखा मैं गेस्ट हाउस में रुका हुआ था और भाई मैं शोक हूँ क्योंकि ये पुल खत्म ही नहीं हो रहा। आगे भी देखो, पिछले 20 मिनट से मैं इस पुल पर चल रहा हूँ, अंदाजा ही नहीं है कहाँ खत्म होगा। इतना लंबा पुल भाई बिहार में, अभी तो और आगे जाना है। मैं पुल के एंड पे एक और वीडियो बनाऊंगा और फिर गूगल से करूंगा ये पुल कितना लंबा है। तो अभी चलते हैं आगे और सुबह सुबह देख सकते हो यहाँ पे कल बारिश भी हुई है इसलिए सड़क गीली है। सो गाइस, फाइनली ये पुल क्रॉस हो गया है और ये पुल है भाई 7.5 किलोमीटर लंबा। हमने और अभी मेरे को जाना है आगे क्योंकि आज का सफ़र है मेरा 145 किलोमीटर और, यानी कि जहाँ से मैं चला था वहाँ से था 157 किलोमीटर। अब चलते हैं आगे। सुबह से मैं खाली पेट चल रहा हूँ और अभी यहाँ रुका हूँ, चाय पी लेते हैं और मेरे पास कुछ खाने का है वो खा के फिर आगे चलते हैं। सुबह टी ब्रेक हो गया है, फिर अपनी धनो अब चलते हैं आगे। तो पहले मेरा प्लान था किशनगंज का पूर्णिया होते हुए, लेकिन जो मेरे पार्टनर है वो निकल गए नेपाल की तरफ विराट नगर, तो मेरे को आज विराट नगर जाना पड़ेगा। जो मेरा सफ़र होगा आज का 170 किलोमीटर का, आज हालत ख़राब होने वाली है भाई। अभी हूँ मैं कहाँ पे, मीरगंज है और भाई मिले मीरगंज है। मुझे इन दोस्त को देख के बहुत ही खुशी मिला जी। और मैं इनको रोक के कुछ सेवा तो नहीं कर सका, लेकिन बहुत खुशी मिला जो यह जो पूरा भारत भ्रमण पे हैं, मैं इसका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरे दोस्त को। भाई ने चाय ऑफर किया है, चाय पीते हैं और उसके बाद चलते हैं आगे। थैंक यू भाई। तो चाय पी के मैं निकला ही था कि ये भाई लोग मिले इधर। हेलो भाई, सब कैपिटल में? हाँ। और ये कह रहे हैं भाई ब्लॉगिंग करते हो क्या? हाँ भाई करता हूँ ब्लॉगिंग, और आज जाना है नेपाल। और जो नेपाल में ना उसका नंबर नहीं लग रहा भाई, हालत ख़राब होने वाली है। अगर भगवान भरोसे अगर मिला तो अच्छा, नहीं तो अलग अलग जगह रुकेंगे। अभी भाई देख रहे हैं भाई चैनल को और उसके बाद चलते हैं आगे। अभी मेरा नेपाल रहता है 84 किलोमीटर, हालत ख़राब होने वाली है आज। तो भाई क्या नाम आपका? अविनाश कुमार था। और एग्जाम दे के आया भाई, और मतलब मेरा फोन है अभी डेडलाइन पे और नहीं, मेरे को यहाँ तक लेके आया है नेपाल बॉर्डर तक। थैंक यू भाई, अच्छे रहिएगा। जरूर भाई। सो गाइस, फाइनली 165 किलोमीटर का सफ़र करके आज एक दिन में गया भाई और मैं नेपाल पहुंच गया हूँ। मतलब अभी देख सकते हो ये इधर मैं नेपाल में हूँ। बाकी आप लोगों से मैं एक बार रूम में अपना सामान रख लूँ फिर बात करता हूँ आराम से फ्री होके। तो जैसे कि आपको पता है मैं हूँ अभी नेपाल में और ये नेपाल की चाय जो नेपाली करेंसी में मेरे को 20 रुपये की पड़ी है और इंडियन के हिसाब से है 7 रुपये की। और दोस्तों ये है मेरा रूम जहाँ पे हम पांचों एक साथ हो गए हैं। तो आज की वीडियो करते ही है, आज का व्लॉग कैसा लगा? और भाई जो मेहनत की है उसका फल ज़रूर दे देना क्योंकि आज मैं चला हूँ 170 किलोमीटर। तो आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।